Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching Katha Ankahee. Subscribe to Sony Live channel and hit the bell icon for more updates from Katha Ankahee. अब कभी रो के या तड़प के तुझे याद नहीं करूंगा मैं आधी कि मेरा आधी चला गया वो होता तो ये होता वो होता तो ये होता अब मैं तुझे मैं खुश होके तुझे याद करूंगा बेटा अब जब मैं व्यान को जान गया हूं तो मुझे लग रहा है कि तू ही कथा का हाथ पकड़ के उसे व्यान के पास लेकर आया तूने खुद आरव के कान में ये कहा होगा कि बेटा एक बार व्यान को पापा कह दो तू मेरे पास भी आया तूने मुझसे भी कई बार कहा कि पापा मेरे रहते जो चांस आप कथा को नहीं दे सके वो अब उसे व्यान के साथ दे दीजिए लेकिन मैंने अंसु भी मुझे माफ कर दो व्यान तेरी जगह नहीं लेना चाहता लेकिन मैं उसे उसकी जगह दूंगा बेटा हम सबकी जिंदगी में एकदम सटीक जगह दूंगा Thank you. तुम ठीक तो हो बेटा थोड़ा सा डरा हूं जो हुआ उसके लिए नहीं जो आगे होने वाला है आरव ने मुझे पापा बुला लिया अंकल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैं किससे सीखूंगा मेरे पापा मुझे बहुत पहले छोड़ के चले गए तो कभी अगर मैं नहीं समझ पाया कि एक इतने स्मार्ट बच्चे का बाप कैसे बनते हैं कैसे वो इंसान बनते हैं जो दोस्त भी हो और गाइड भी सर पर हाथ भी रखे और साथ में बारिश में भीगे भी लेकिन अगर समझ नहीं आया कि ये टीनेज प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाए और कैसे अपने बेटे से उसकी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में बात की जाए कैसे उसे ये बात का विश्वास दिला जाए कि चाहे दुनिया में कोई हो ना हो उसका बाप हमेशा उसके साथ है मिस्टर ग्रेवर मुझे कौन बताएगा आरव मुझे पापा बुला चुका है मैं किसे पापा बुलाऊं पापा
मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा एक दिन तो होने ही वाला है। भले आपकी पर्सनालिटी विलेन जैसी है, लेकिन आपका दिल बेटी के पापा वाला है, जो एंड में कहता है ना, जा जी ले अपनी जिंदगी। आज मैं बोल ही देता हूं, जी ले अपनी जिंदगी व्यान के साथ। कैलाश के इस हृदय परिवर्तन को सेलिब्रेट करना तो बनता है तो इसलिए आज की पार्टी मेरी तरफ से। आओ बेटा। आ जाओ भाई। मम्मा पापा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ओ नहीं, परेशानी कैसी, तुम बैठो ना हमारे पास। एक्चुअली ना माँ वेट कर रही होंगी। बेटा माँ के साथ रोज बैठते हो, थोड़ी देर हमारे साथ बातें करो। आ जा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बैठ। ओके। बैठा। यस मम्मा। कविता। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आई। अंकल आपका घर बहुत खूबसूरत है। अरे बेटा बस कृपा है। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल। बेटा आज तुमने जो किया ना, हो पापा तो क्या क्या प्लान है? प्लान सबसे पहले मैं घर जाने वाला हूँ और एक शावर लेने वाला हूँ, बिकॉज आई एम स्मेलिंग, और उसके बाद ये फिगर आउट करूंगा कि मैं आज का नहीं, मतलब कथा को लेके क्या सोचा है, आगे क्या करना है। अंकल सच कहूँ आपसे तो मैंने इतना सोचा ही नहीं था। मैंने तो बस इतना सोचा था कि कथा और आरव मुझे एक्सेप्ट कर ले, हमारी फैमिली जैसे जुड़ जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इट्स लाइक It's a good feeling. बस इतना पता है, हम सब एक फैमिली है। That's it. मैं समझ सकता हूँ बेटा। अच्छा अब ना तुम्हें इस रिश्ते को पक्का करने की दिशा में काम करना होगा। मतलब अगर अब तुम्हें साथ रहना है तो नया सेटअप, नई गृहस्थी के लिए तैयार होना होगा ना। देखो इस चेंज के लिए पूरी तरह तो कोई भी तैयार नहीं होता, हाँ लेकिन प्लान किया हो तो बदलाव से झटका थोड़ा कम। माँ इस सब की क्या जरूरत है? माँ कह रहा है और पूछ भी रहा है कि इसकी क्या जरूरत है। जब माँ कुछ देती है ना तो चुपचाप ले लेते हैं। शगुन है ये, इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी अब तेरी हो गई ऑफिशियली। नहीं चाहिए तो ले जाती हूँ मैं वापस। नहीं माँ, I never said that. मुकुल वो जवान बंदा है। ये ले बेटा,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.